तो गाइस एयरपोर्ट के ऊपर जो एरोप्लेन खड़ा रहता है, अगर हम उसे उड़ा दें तो कैसे दिखेगा? क्या हम उसे उड़ा सकते हैं? यही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये फोटो चेक कीजिए जल्दी से, कैसे मैंने एयरपोर्ट के ऊपर से एरोप्लेन को उड़ा दिया है। जब ये उड़ता है तो कुछ इस तरीके का लगता है। देखो कैसे मैंने एयरपोर्ट के ऊपर से इसे उड़ा दिया है। तो आप भी इसे उड़ा सकते हो बहुत आसानी से। चलिए गाइस मैं आप लोगों को इस वाली वीडियो में एरोप्लेन को उड़ा कर दिखाता हूँ। तो गाइस मैं रहता हूँ यहाँ चोर कॉलोनी में। सिटी वालों ने इस जगह का नाम चोर कॉलोनी रख दिया है क्योंकि वहाँ से आए दिन सामान चोरी होता रहता है। तो गाइस अभी हमें जाना होगा एयरपोर्ट पर, के लिए चाहिए होगी एक बाइक। मेरे पास सिर्फ ये साइकिल ही है, पर इससे मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता क्योंकि हमें 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना होगा। वहाँ पहुँचने के बाद ही मैं आप लोगों को एरोप्लेन को उड़ा के दिखाऊँगा। मेरे पास खाने खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं बाइक कहाँ से खरीदूँगा? तो कहीं से जुगाड़ लगाना पड़ेगा। आइडिया जो मैंने 2 साल पहले जो काम छोड़ा था, मुझे लगता है उसे दोबारा चालू करना पड़ेगा। आज समझ रहा हूँ ना मुझे क्या करना है। मुझे चोरी करनी होगी। पास में ही सिटी में एक बाइक का बहुत बड़ा शोरूम है, तो मैं वहाँ जाकर एक बाइक चुरा कर लेकर आ जाऊँगा। तो वहाँ पर जाकर देखते हैं वहाँ बाइक है भी या सब सेल हो चुकी हैं। तो मुझे जाकर देखना होगा, अगर हाथ लगेगी तो एक आध बाइक चुरा कर लेकर आ जाऊँगा। मुझे नज़र भी रखनी होगी, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ जाएगा और मेरे पास पैसे वैसे ही नहीं है बाइक ख़रीदने के लिए। अगर मैं पुलिस स्टेशन चला गया तो वहाँ पर मेरी ये साइकिल भी छीन ली जाएगी। तो अभी हम आ चुके हैं शोरूम के पास, तो मुझे देखना होगा अगर मालिक हुआ तो हमें ये प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, फिर हमें नाइट का इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं आगे, देखते हैं शोरूम में बाइक खड़ी है या नहीं। तो गाइस बाइक तो बहुत सारी खड़ी हैं यहाँ पे। तो मुझे, अरे मालिक भी आ गया। ओए चोर क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं जंगल चोर नहीं हूँ, मैं बाइक खरीदने आया। अबे साले भिखारी, तू मुझे पता है, तू साले चोर कॉलोनी का। अरे सर मैं चोर कॉलोनी का नहीं हूँ, मैं इधर से ही हूँ। अरे मुझे अलग देख रहा तू, साले भिखारी, तेरी साइकिल उधर खड़ी है ना? अरे सर वो मेरी नहीं है, मेरी वो गाड़ी खड़ी है। हाँ वो तेरे अब्बा की गाड़ी होगी। अरे सर वो मेरी गाड़ी है। हाँ वो मेरी गाड़ी है, साले भाग गया था। जा रहा हूँ सर, जा रहा हूँ। लौट के मत आना, मैं तुम्हारे लिए कंप्लेन कर दूंगा तेरी पुलिस पे। सर जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर आ गए हैं, ये मालिक आ चुका है गाड़ी का शोरूम का। तो अबे हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। अबे साले आज मत जाना चोर, साले चोर, ना तो तेरे घर पे पुलिस भेज दूंगा मैं। तो गाइस हमें यहाँ से भाग कर आना पड़ा और हमें करनी होगी नाइट का इंतजार। और वो मालिक चला जाएगा तो हम नाइट में जो है चोरी कर लेंगे आसानी से बाइक। तो गाइस फाइनली रात तो हो गई है, अभी हमें निकलना होगा एक बाइक चोरी करने के लिए। तो अभी हम जाके देखते हैं, अगर मालिक वहाँ से चला गया होगा तो हम जो आसानी से एक बाइक पार कर लेंगे और फिर चलेंगे एयरपोर्ट पर। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ उससे एरोप्लेन को उड़ा के। तो अभी हम चलते हैं आराम से, कोई देख तो नहीं रहा, इधर उधर देख लेता हूँ मैं। कोई नहीं है भाई, रास्ता था, जल्दी डाल गाड़ी। तो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ शोरूम के पास। तो अपनी साइकिल यहीं लगा देता हूँ मैं, जहाँ पहले लगाई थी। तो अभी इधर ही लगा देता हूँ मैं थोड़ी सी बात। अभी हम चढ़ते हैं ऊपर, भी देख लेते हैं हम चढ़ के छत पर, कहीं ऊपर सो रहा हो कोई। अरे भाई नीचे को कोई नहीं, ऊपर तो कोई नहीं है। अभी हम चलते हैं, एक बाइक यहाँ से ले लेते हैं, एक स्कूटी ले लेते हैं। नहीं गाइस हमें लेनी होगी एक बढ़िया सी बाइक, जो हम सुपर फास्ट, तो ये ग्रीन वाली बाइक हम आसानी से उठा लेंगे यहाँ से और जो हम यहाँ से भाग जाएंगे। अगर सुबह पुलिस आती है तो हम यहाँ से फरार, हम पहुँचेंगे सीधा एयरपोर्ट और एरोप्लेन में बैठ के सीधे उड़ जाएंगे हवा में ऊपर। तो अभी हम चलेंगे सुबह एरोप्लेन पर, उसके बाद मैं आप लोगों को उसे उड़ा के दिखाऊंगा। तो अभी हम चलते हैं सीधे घर, इसे करते हैं घर पर खड़ी। सुबह होती चलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो आ चुके हैं घर। अरे भाई दूसरों के घरों में क्यों मार रहा है? वो उठ जाएगा, फिर पता चल जाएगा उसे। तो अभी हम आ चुके हैं घर के पीछे दरवाजे पे, तो हम लेके चलते हैं उसे आगे। इधर लगा देते हैं हम इसे बढ़िया करके, अपने मोड़े पे लगाओ भाई। इधर ही लगा देता हूँ, कभी वो दूसरा आगे सोचे ये नई बाइक कहाँ से ले आया। पर हमें अब नाइट डे का इंतजार। तो गाइस सुबह हो चुकी है, अब हम निकलते हैं सीधे एयरपोर्ट के लिए। जब तक उसका मालिक आ जाए शोरूम का, तो हम यहाँ से चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं बाइक लेकर।
तो अभी हम चलते हैं सीधे एयरपोर्ट पर। तो यहाँ से तो मैं आप लोगों को फर्स्ट फोर वेट में दिखा देता हूँ। चलते हैं सीधे बड़ा बम करते हुए। तो गाइस हम आ चुके हैं थोड़ी सी दूर हो रही है, यहाँ पर 5 किलोमीटर। अभी हम जा रहे हैं गलत दिशा में, हम राइट लेफ्ट को मुड़ते हैं सीधा। अभी हम यहाँ से जाएंगे। तो मैंने घर ये किराए पे जो है छोड़ दिया है किराए पे। इसमें जो है किराएदार रहता है पर भाड़ा नहीं देता वो गाइस, उनने जो है कब्जा कर लिया है घर पर। तो अभी हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पर। तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा उस एरोप्लन को उड़ा के। तो मैं थोड़ी सी बहुत दूर रह गया, अब आधा किलोमीटर ही और आप लोगों का होने वाला इंतज़ार ख़त्म। तो हमारी गाड़ी यहाँ फंस गई है भाई, निकल चुकी है गाड़ी। तो अभी आ चुके हैं हम एयरपोर्ट पर, गाड़ी हम यहीं लगा देंगे साइड में। तो अभी हम इसे देखते हैं उड़ाकर। तो गाइस कौन कौन इसे उड़ाना चाहता है तो जल्दी से देख लो ये चीट कोड, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो 80 और 90 और ये एरोप्लेन नहीं उड़ा। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी तक हमें कोई भी अभी ऐसा ऑप्शन या चीट कोड या फिर कोई ट्रिक हमें अभी तक नहीं मिली है जो हम इस एरोप्लेन को उड़ा सकें, समझ गए ना आप। तो आप लोग जो है इसे अगर उड़ाना चाहते हो ना तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने होंगे कि हमें एरोप्लेन का चीट कोड दो बड़े वाले का, तभी आप लोग इसे आसानी से उड़ा पाओगे। इस पर मैं आप लोगों को बम मार के दिखा देता हूँ। देख सकते हो अगर ये रियल होता तो ब्लास्ट हो जाता इसमें, पर ये रियल नहीं है, ये खाली हमें फॉर्मेलिटी के लिए दिया गया।